बाघिन अवनी के बच्चों के लिए लोग सड़क पर उतर आए हैं। मुंबई में आपके और हमारे जैसे ही कुछ लोगों ने ये बीड़ा उठाया है। मांग ये हो रही है कि जैसे अवनी को तलाश किया गया, वैसे ही उसके शावकों को भी ढूंढा जाए। मुंबई की सड़कों पर ये मार्च दो मासूम जिंदगियों के लिए है। ये लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं उस आदमखोर बाघिन अवनी के दो मासूम शावकों के लिए। वही अवनी जिसे हाल ही में महाराष्ट्र के यवतमाल के जंगलों में मार दिया गया था। बाघिन अवनी को मारे जाने के बाद उसके 10 महीने के दो मासूम शावक कहाँ हैं, किस हालत में हैं, ये किसी को नहीं पता। दोनों जिंदा भी हैं या नहीं, इसका जवाब भी किसी के पास नहीं है। अनुपमा मुखर्जी लोहाला और उनके दो साथी मांग कर रहे हैं कि जिस तरह अवनी की तलाश के लिए पूरा सिस्टम लगा दिया गया था, उसी तरह अवनी के दोनों शावकों को खोजा जाए। एक वीक से ज़्यादा खाना नहीं खाया है। अवनी का फॉरेंसिक रिपोर्ट में आया है कि अवनी का पेट खाली था, शी वॉज एम्प्टी स्टमक। तो माँ ने अगर नहीं खाया है तो बच्चों ने कहाँ खाया होगा। तो अगर एक हफ्ते से ज़्यादा ये कब्स भूखे हैं तो वो ऑलरेडी फेड हो रहे हैं। कैट फैमिली में उनके इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स अप डाउन होते हैं, लिवर शट डाउन होता है, किडनी शट डाउन होता है, वो नहीं बच पाएंगे। अनुपमा और उनके साथी लोगों के बीच जागरूकता भी फैला रहे हैं, जिन्हें लोगों का भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। लोग खुद ब खुद इनकी मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं। कि अवनी कितना किस तरह से मारी गई है और उनके बच्चे, जब आज पता चला पेपर पढ़ के, सो आई थॉट आई विल जॉइन देम एंड आई विल गो अहेड एंड आई ऑल्सो रिक्वेस्ट ऑल द पब्लिक कि वो आए, थोड़ा सा ज्वाइन करे। 10 मिनट तो 10 मिनट आप अपना सपोर्ट दिखाइए, हमको हमारी धरोहर, हमारे बच्चे वापस चाहिए। अनुपमा और उनके साथी छोटे छोटे ग्रुप में अलग अलग जगहों पर अवनी के दोनों शावकों के लिए इंसाफ की मुहिम चला रहे हैं। राकेश त्रिवेदी, जी मीडिया, मुंबई।